शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमश कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। दोस्तों, इस श्लोक में श्री कृष्ण ध्यान में कैसे बैठे वह बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। आसन ना तो बहुत ऊपर हो और ना बहुत नीचे।